हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है SS UNITECH। तो दोस्तों, अगर आप भी अपना YouTube चैनल बनाना चाहते हैं और उसके अंदर आप वीडियोस अपलोड करना चाहते हैं और उसके थ्रू आप अर्निंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट और YouTube का क्राइटेरिया है कि आप अपना चैनल बना लीजिए। बनाने के बाद अपनी वीडियोज अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद वॉच टाइम 4000 आवर्स होने चाहिए और सब्सक्राइबर्स आपके 1000 होने चाहिए। ये आपका बेसिक क्राइटेरिया है किसी भी चैनल को मोनेटाइज करने के लिए। अगर आप कोई एजुकेशन चैनल बनाते हैं तो एजुकेशन चैनल के व्यूज़ बहुत ही कम आते हैं। जैसे आप देख सकते हो, मेरा ये एजुकेशन चैनल है जिसके अंदर मैं डेटाबेस की क्वेरीज, डेटाबेस के इंटरव्यू क्वेश्चंस और बहुत सारी चीज़ें डालता हूँ। तो मैंने कैसे अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज किया, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको दिखाऊँगा और रियल टाइम में करके दिखाऊँगा और ये काम करती हैं। तो दोस्तों, लोग अपने यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, बनाने के बाद 8-10-15 वीडियोज़ डालते हैं उसमें, लेकिन वो बाद में कंप्लेन करते हैं कि हमारे चैनल के व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, हमारे चैनल के वॉच आवर्स नहीं बढ़ रहे हैं, हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो आज मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो जैसे मैं बता रहा हूं आपको वैसे करना है, जिसके थ्रू आप जल्दी से जल्दी अपना चैनल मोनेटाइज करवा सकते हैं और आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं वॉच टाइम। तो वॉच टाइम हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि मिनिमम क्राइटेरिया यूट्यूब का है 4000 घंटे। तो अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है और अनलिमिटेड है तो आप अपने सिस्टम पे ओपेरा मिनी इंस्टॉल करिए, और ओपेरा मिनी इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन आता है जिसके थ्रू हम अपना वीडियोस बार बार चला सकते हैं और वो आईपी बार बार चेंज होती रहेगी, जिसके थ्रू ये आपका चैनल पकड़ा भी नहीं जाएगा और आपके वॉच आवर्स भी बढ़ जाएंगे। तो मैंने ये यूज़ किया है और मेरा चैनल को काफ़ी हेल्प मिली है इससे अपना चैनल मोनेटाइज करने के लिए। तो सबसे पहले हम कैसे इस पर जाएंगे, तो जैसे हमने ओपन कर लिया ओपेरा मिनी, अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है टॉप पे और जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाएंगे, जब सेटिंग्स पे जाएंगे यहाँ पे सर्च सेटिंग का ऑप्शन आएगा, इस पर हम VPN लिखेंगे। VPN लिखने के बाद यहाँ पे हम करेंगे इनेबल VPN। जैसे आप इनेबल कर दोगे, ये IP जो भी आपकी होगी वो उसे बाईपास करेगा और जितने बार आप इसे कस्टम डाल सकते हो, यूरोप डाल सकते हो, अमेरिका डाल सकते हो, एशिया डाल सकते हो, अभी दिखाऊंगा मैं कैसे कैसे ऑप्शंस आते हैं। और आईपी आपकी बार बार चेंज होती रहेगी और आईपी चेंज करके आप अपने वीडियोस बार बार चला सकते हैं, जिसके थ्रू बड़े आराम से आपके वॉच आवर्स बढ़ते जाएंगे और ये पकड़ा भी नहीं जाएगा। तो अब चलते हैं एक नए टैब में और मैं यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ। यूट्यूब ओपन करते हैं यहाँ पर। एक चीज़ और मैं सजेस्ट करूंगा दोस्तों आपको, यहाँ पे अगर आपने लॉगिन कर रखा है तो आपको लॉगिन नहीं करना है, आप इसे साइन आउट कर दीजिए। तो यहाँ पे आपके पास कोई भी लॉगिन आईडी नहीं होनी चाहिए, ये आपका बिना लॉगिन आईडी के चलेगा। तो अब आप देख सकते हो ये लॉग आउट हो चुका है। अब सबसे पहले आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे URL के पास आप देख सकते हो लिखा हुआ है VPN। VPN पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि IP एड्रेस आपकी 77.111.246.20 है। अभी अगर आप इसको चेंज कर सकते हो, वर्चुअल लोकेशन अभी अमेरिका है, नाउ वी कैन चेंज इट विद द एशिया। तो आप एशिया जैसे ही चेंज करोगे आप IP देखोगे चेंज हो जाएगी, अभी 245.13 है। अभी यहाँ पे जाओ यूरोप करो तो आप यहाँ पे देखो 244.4। तो हर बार एक नई IP जनरेट करेगा ये। अगर आप नई IP से YouTube चैनल की वीडियोस चलाओगे तो वो पकड़ा नहीं जाएगा और आपके वॉच आवर्स भी बढ़ते रहेंगे। जैसे आपने यहाँ पे कस्टम कर दिया, जैसे यहाँ पे आपने ऑप्टिमल लोकेशन कर दिया, तो हर बार जब भी आप ओपन करोगे एक नई IP यहाँ पे खुल के आएगी आपके सामने और अपने वीडियोस आप चला सकते हो। और यहाँ पे जैसे आप सर्च कर सकते हो मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज SS UNITECH, इसे आप ओपन कर सकते हो और यहाँ पे आप जा सकते हो और यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका आ गया। सिंपली आप प्लेलिस्ट में जाओगे और प्लेलिस्ट से आप अपनी वीडियो चला सकते हो जो भी आप चाहो। ये तो हो गया आप अपने कैसे वॉच आवर्स बढ़ाओगे। जब भी एक सेकेंड चीज और होती है, अगर आपकी वीडियो पे वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मैं एक यूज़र हूँ और मैंने आपकी पूरी वीडियो देख ली, ऐसे आपके पास 1000 यूज़र आए जिन्होंने आपकी पूरी पूरी वीडियोज़ देखी, तो आपकी वीडियो दूसरे के सजेशन में आने लगती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके व्यूज़ भी बढ़ाने के लिए, आवर्स बढ़ाने के लिए और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। अगर वो वीडियो दूसरे के सजेशन में आएगी, जैसे मेरे सजेशन में 4 वीडियोस आ रही हैं और आपने थंबनेल अच्छा लगा रखा है, तो वीडियो उस पर लोग क्लिक करेंगे, आपके व्यूज़ बढ़ेंगे, आपका कंटेंट अच्छा हुआ तो लोग पूरा वीडियोस देखेंगे आपका और आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो
इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने वीडियोस के जितना ज़्यादा चला सकते हो पूरी पूरी वीडियोस उतना अच्छा होता है। अगर आपके घर में चार पांच फ़ोन हैं तो अगर आपके पास पांच वीडियोस हैं तो पूरी पूरी वीडियोस दिन में दो बार कम से कम आप चला सकते हो सारे फ़ोन के अंदर, तो आपका टाइम भी बढ़ेगा और वीडियो की ड्यूरेशन भी कम्प्लीट रहेगी, तो दूसरे के सजेशन में वो आने लगेगा। सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगा आप वीडियो बनाने से पहले आप अपना कंटेंट तैयार कर लीजिए। कम से कम 20-25 वीडियो आपके पास होने चाहिए स्टोर में। अगर आपके पास 20-25 वीडियो नहीं होंगे, आपने एक वीडियो आज अपलोड की, इसके बाद आपने एक महीने बाद वीडियो अपलोड की, फिर उसके एक महीने बाद वीडियो अपलोड करेंगे, तो उससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पास 20 वीडियो का कंटेंट होगा तो आप बहुत ही आराम से सारी वीडियो चला भी सकते हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा आप दूसरों को बता भी सकते हो, लाइक अपने हमारे चैनल में इतनी वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हो, प्रेफर कर सकते हो। अगर आपके पास चैनल में कंटेंट ही कम होगा तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि आज हमने अपलोड कर दिया, अगले एक महीने बाद फिर अपलोड किया, तो वो उससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा अपने चैनल का। तो मेरा सजेशन है, अगर आप प्लान कर रहे हो यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, तो आप यूट्यूब चैनल बनाने से पहले 20-25 वीडियो का कंटेंट रेडी कर लो या फिर रिकॉर्ड करके वीडियोज़ रख लो, उसके बाद आप चैनल बनाओ और वीडियोज़ उस पर अपलोड करो और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, एटलीस्ट तब तक जब तक कि वो एक स्टेबल स्टेज पे ना पहुंच जाए। उसके बाद मैंने आपको दिखाया कि कैसे आप उसके वाचार्स बढ़ा सकते हो, आप यहाँ पे VPN यूज़ कर सकते हो और उसके वाचार्स यहाँ से बढ़ा सकते हो। मैं आपको अपना चैनल दिखाता हूँ, अभी मेरे चैनल में 3000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास जो प्रॉब्लम पहले आती थी कि यहाँ पे 4000 आवर्स और 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, तो अभी वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो चैनल मेरा मोनेटाइज हो चुका है। और यहाँ पे आप जाके देखोगे तो आपको स्टार्टिंग में दिखेगा भी कि अभी हमारे चैनल में 3000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, 3024 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो ये एक रनिंग स्टेज पे काफ़ी आ चुका है मेरा चैनल, और काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट मेरे पास आई कि इस पे बताओ कि कैसे अपने चैनल को अपने मोनेटाइज किया। तो दोस्तों ऐसे मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज किया है। अब अगर दोस्तों आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर आपके रिस्पॉन्ड करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर कोई अभी भी डाउट है तो कमेंट करें, मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूँगा। थैंक यू सो मच।